नहीं जी, आज ये पुतला किसका फूका गया है? आज पुतला इसलिए फूका गया है कि आगरा में योगी राज आए थे, उन्होंने लपका के बारे में और पंडा रोहित के बारे में उन्होंने कहा था कि इन दोनों को खत्म किया जाएगा मथुरा का। तो हम लोग यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं और जन्म जन्म का हमारा संबंध है पुरखों का, सात पीढ़ियों का, जिससे हमारा रोजी और रोजगार चलता है जिन यात्रियों को, और हम उनका वो हमारा ध्यान करेंगे, हमारे पेट पर आएगी और हम लोग आग लगा के सब लोग करने के लिए तैयार है। अगर पूछा जाए तो मथुरा जनपद में कितने लोग ऐसे हैं जो पंडा समाज के से जुड़े हुए हैं? कम से कम 50,000 परिवार है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगाम, बरसाना, मावन, कम से कम 2,00,000 है वृंदावन। वृंदावन के अंदर 50,000 है, पूरा ब्रजमंडलों में पूरे पंडा सभा से भरी हुई है और पंडा यहाँ का रोजगार है और हमारा कोई रोजगार नहीं। उनका कहना ये आरोप है कि जो पंडा समाज के लोग हैं, पंडा प्रथा से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। ये सब कोई बकवास है, मंदग्रहण कहानी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। जिस जजमान की जेब कट जाती है, जिस जजमान पर पैसा नहीं होता है किराए का, उसको पैसा देके हम लोग घर पहुंचाते हैं, उनके घर घर जाके जब हम लोग ऐसा काम करेंगे तो हर यात्रियों के घरों पे जाते हैं तो हमको घर में क्या घुसने दिया जाएगा, कि हमको घर में बिठाएगा? क्या चाहते हो, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये, उन्होंने जो योगी राज ने ये जो अपने शब्द वापस ली जाए और ब्राह्मणों का सम्मान किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे और सभी लोग आगे की व्यवस्था आगे करेंगे। हमने वृंदावन धाम के अंदर मुख्यमंत्री उत्तर सरकार का, योगी राज का पुतला दहन किया है। क्यों किया है ये आपको विदित है। कल जब आगरा आए थे उन्होंने कहा था कि आगरा के लपके ब्राह्मण के पंडो का हम लोग एक जो है पुरोहित कार्य करना हम समाप्त कर देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं योगी जी, जब आप वहाँ के महंत हैं, 62 एकड़ के आप मालिक हैं, आपका एक कॉलेज ऋषिकेश के अंदर उत्तराखंड में चलता है, आप क्या कहना चाहते हैं? पहले आप अपने गृहमान को देखिए कि हम पहले साफ हैं कि नहीं। आपको मालूम है इस ब्रिज ने यहाँ के आपके कैबिनेट मंत्री को लाखों से जिताया था। ये वही ब्राह्मण समाज है। यदि ब्राह्मण समाज का विरोध करना चाहते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं आपके दिमाग में सहस्त्रवाहु जैसी कोई मानसिकता उत्पन्न तो नहीं हो रही है। क्या आप लोग ब्राह्मण के विरोधी हैं? क्या ठाकुर हमेशा ब्राह्मण का विरोधी होता है? एक साधु जो होता है वो हमेशा हर व्यक्ति का, हर समाज का होता है। एक रोटी रोजी की बात करते हैं, आप यहाँ पर लाखों ब्राह्मणों के परिवारों के पेट पे लात में मारना चाहते हैं। हम ये लोग चाहते हैं कि जिन्होंने बयान दिया है पुरोहित समाज के विरोध में, ब्राह्मण समाज के विरोध में, वो वापिस लें और माफी मांगे और ये कहें कि मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ। क्यों इलाहाबाद में ब्राह्मण नहीं रहते? क्या काशी में ब्राह्मण नहीं है? उनके खिलाफ क्यों नहीं बोला? हमें तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कोई साजिश है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं, हम ब्राह्मण समाज के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। जगह जगह पुतला दहन होगा, अर्थी निकाली जाएगी, जो भी संविधान के तहत होता है हम आंदोलन करते रहेंगे और एक एक खून का कितना इस ब्रजवासियों के लिए हमारा हमेशा समर्पित रहेगा। विरोध किस बात को लेकर है? हमने योगी जी का फूका है जो तीर्थ पुरोहितों के विरोध में उन्होंने ये निकाला है। हम लोग घरों पर से जाते हैं, जजमानों को लाते हैं, तीर्थ यात्रा करा के घरों पर पहुंचाते हैं, उनके पैसे, उनको जो भी परेशानी होती है उनको दिया जाता है। उन्होंने ये कहा था कि साहब कोई भी भूखा नहीं सोएगा मेरे शासन में, तो 50,000 आदमी के साथ में 8-8 महीनों तो 2,00,000 आदमी पब्लिक भूखी सोएगी हमारे। क्या हमको 2,00,000 का खाना देंगे? अगर नहीं है हम जेल खाने को जाने को तैयार है। आगामी जो भी हम पे बनेगा कड़ा से कड़ा विरोध है और आगामी सन 19 के चुनाव आ रहे हैं। सोच रहे मोदी जी और योगी जी दोनों MP तो चले, क्या MLA भी नहीं हो पाएगा। अब कहता तो 1,25,000 वोट जीत जाती जी काम फरमाऊ।